राजस्थान में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले पूरे ही राज्य भर में सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर ऐलान कर चुकी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ही जीत हासिल करेगी, वहीं कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में रिपीट होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े जाएंगे बीजेपी की तरफ से, लेकिन कांग्रेस खेमे की तरफ से दावे किए जा रहे हैं सीएम अशोक गहलोत को लेकर ही। ऐसे में देखा जाए तमाम सर्वे कराए जा रहे हैं और इन सर्वे के मुताबिक सामने आ रहा है कि राजस्थान की जो आवाम है आखिरकार किस पार्टी की सबसे अधिक दीवानी है, आखिरकार किसे सीएम के तौर पर देखना चाहती है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बीते लंबे वक्त से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सियासी जंग देखने को मिली। सचिन पायलट को लेकर ये तक कहा गया कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे, हालांकि देखा जाए अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का विवाद खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। सचिन पायलट अशोक गहलोत के साथ मिलकर ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, ये ऐलान वह साफ तौर पर कर चुके हैं। लेकिन अब यहां पर देखा जाए तो पार्टी आखिरकार किसे आगे करेगी, सीएम फेस आखिरकार यहां पर किसे बनाया जाएगा। तो ऐसे में यहां पर तमाम सर्वे कराए गए हैं और सर्वे के मुताबिक यहां पर सामने आया है कि आखिरकार राजस्थान की जनता किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में जो सर्वे कराया गया है, इस सर्वे के मुताबिक सामने आया है कि आखिरकार जनता क्या चाहती है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर सवाल पूछे गए और ऐसे में यहां पर सर्वे में जो सामने आया है उसके मुताबिक देखा गया है कि अशोक गहलोत आज भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के कुल 6,705 लोगों के साथ एक सर्वे कराया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो सामने आया है कि इस सर्वे में राज्य के लोगों से कई तरह के सवाल पूछे गए। एक सवाल पूछा गया कि आपका सबसे लोकप्रिय सीएम फेस कौन है। कुल 38% लोगों ने सीएम अशोक गहलोत को अपनी पसंद बताया। सर्वे रिपोर्ट्स की माने तो लोगों के दिलों में गहलोत का जादू आज भी बरकरार है। 25% लोगों की पसंद यहां पर सचिन पायलट है। आंकड़ों से साफ हो रहा है कि राजस्थान की जनता पायलट से ज्यादा गहलोत को आज भी पसंद कर रही है। तो ऐसे में देखा जाए यहां पर यह भी देखा गया है कि बीजेपी से यहां पर महिला नेत्री वसुंधरा राजे भी कड़ी टक्कर दे रही है। दरअसल सीएम फेस के लिए कुल 26% लोगों ने वसुंधरा राजे को अपनी पसंद बताया है। ऐसे में देखा जाए यहां पर एक बेहद बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अब यहां पर यही देखना होगा कि आखिरकार पार्टी क्या वाकई में जीत हासिल कर पाएगी, क्योंकि सचिन पायलट का साफ तौर पर कहना रहा है कि उन्हें इतिहास रचना है और कांग्रेस को सत्ता में वह रिपीट कराना चाहते हैं। तो सचिन पायलट जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, सचिन पायलट लगातार डंके की चोट पर ऐलान कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री बेशक यहां पर सचिन पायलट के गढ़ में पहुंचकर हुंकार भरते हुए नजर आए हैं, लेकिन सचिन पायलट भी जनता का ध्यान पूरी तरीके से अपनी तरफ बनाए हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार कांग्रेस क्या वाकई में कोई बड़ी बाजी यहां पर पलटती हुई नजर आएगी, क्योंकि 2018 में पायलट की अगुवाई में चुनाव लड़े गए, कांग्रेस ने जीत हासिल की। ऐसे में यहां पर गहलोत को क्या वाकई में आगे किया जाएगा या फिर सचिन पायलट को, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।